तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस जो है दोस्तों, वो आप अपनी गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो बिना किसी ऐप के। और कोई भी आपको GB व्हाट्सअप ये होते हैं दोस्तों, जो कि अलग अलग तरीके की ऐप होते हैं, जो व्हाट्सअप के अनऑफिशियल ऐप होते हैं, कोई भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है, आपको कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करनी है, और आप आसानी से आप किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस जो अपनी गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो। तो ये तरीका जो है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जो कि आप बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस अपनी गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो बिना किसी ऐप के। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। तो दोस्तों, किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस अगर आपको अपनी गैलरी के अंदर सेव करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले व्हाट्सअप के ऐप को ओपन करना है, और उसके बाद आपको स्टेटस टैब के अंदर आना है। उसके बाद उस स्टेटस को आपको ओपन करके और उस स्टेटस को देख लेना है, और उसके बाद जो आपके स्टेटस जो वो आपके मोबाइल के अंदर वैसे डाउनलोड हो जाएगा। पर आप गैलरी के अंदर कैसे ला सकते हो, इसके लिए आपको दोस्तों फाइल मैनेजर ऐप जो आपके मोबाइल के, तो उसके अंदर जाना है। फिर यहाँ पे आपको दो डॉट दिख रहे हैं कोने के अंदर, तो इस पर क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर आना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले हिडन फाइल्स, तो इसको आपको यहाँ से ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद बैक आ जाइए, उसके बाद देखिए ऑप्शन मिलेगा फ़ोन स्टोरेज का, तो इस पर क्लिक करके आपको अंदर आना है। फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है, आपको व्हाट्सअप सर्च कर लेना। व्हाट्सअप सर्च करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा, किसी भी वीडियो के फोल्डर के अंदर चले जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये मीडिया दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये फोल्डर मिलेगा आपको डॉट स्टेटस है, तो इस पर आपको क्लिक करके इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे आपके जो भी स्टेटस आपने देखे हैं, जिनकी भी आपके कॉन्टेक्ट के अंदर स्टेटस आपके सामने आए हैं और उनको आपने देखा है, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको इस पर प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके आपको जिस भी फोल्डर के अंदर लेकर जाना है इस स्टेटस को, उस फोल्डर के अंदर आपको चले जाना है यहाँ से। फिर उसके बाद वहाँ पे आप कॉपी टू हियर पर आपको क्लिक कर देना, आपका स्टेटस जो है दोस्तों कॉपी हो चुका है, आपकी गैलरी के अंदर आ चुका है। तो आपने जो स्टेटस आपने कॉपी किया दोस्तों, तो वो यहाँ से आप देखोगे फिर से, तो वो यहाँ पे शो होगा, क्योंकि आपने उनको वहाँ से मूव नहीं किया है। और आप अगर गैलरी के अंदर जाकर देखोगे दोस्तों, तो वो भी वहाँ पे भी आ जाएगा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये स्टेटस जो है गैलरी के अंदर आ चुका है, इसी तरीके से आप भी सेव कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस जो है वो आप अपनी गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो बिना किसी ऐप के। आपको कोई भी अलग अनऑफिशियल व्हाट्सअप ऐप जो दोस्तों, वो भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑफिशियल व्हाट्सअप ऐप जो दोस्तों प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो, यही आपको रखना है, उसके साथ आप किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस अपनी गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो। तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। तो इस वीडियो को यही खत्म कर दे, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।